Whenever we are working with applications of data mining, there is a dire need of pre-processing step. In pre-processing, first step is data cleaning. Ab ye data cleaning kya hai aur kahan par use hai, what is its advantage and what is its need. If we define data cleaning, we can say that data cleaning tries to find out these four things. Number one, fill in missing values. कि जो हमारे पास डाटा में अननोन नल वैल्यूज हैं उनको फिल किया जाए. सेकेंड वन इज स्मूथ आउट नॉइज, कि जो हमारे पास नॉइज की इंफॉर्मेशन है, नॉइज से मुराद ऐसी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस को क्रिएट करते हुए या डाटा सेट को क्रिएट करते हुए इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी कि ह्यूमन एरर की वजह से या मशीन की एरर की वजह से, उसको रिमूव कर दिया जाए. आइडेंटिफाई आउटलायर्स, आउटलायर से मुराद है ह्यूज वैल्यूज जो डेटा से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो. जैसे लेट्स से इफ आई हैव थ्री नंबर्स 49, 50 एंड 51 और फोर्थ जो नंबर आता है हमारे पास आ जाता है 90, तो अब क्या है कि 90 इज अ क्लियर आउटलायर. और ये आउटलायर क्या है, ये बता रहा है कि जो 90 है ये काफी ज्यादा बड़ा है 49, 50 और 51 से. सिमिलरली आउटलायर कैन बी ऑन द लोअर साइड ऑल्सो. जैसे अगर हम कहते हैं 10 अगर हमारे पास एक नंबर है, तो अब जो 10 है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 49, 50 एंड 51. Then we have to deal with correct inconsistencies, कि जो data में हमारे पास inconsistencies हैं उनको भी हमने remove करना है. What is the advantage? अगर हम missing values को fill कर लें, inconsistencies को remove कर लें, noise को remove कर लें, what would be the advantage? आप बता सकते हैं? Advantage is obvious, कि क्या होगा? कि data की accuracy, preciseness, ये increase हो जाएगी, data एक अच्छी क्वालिटी में बनेगा. अब होगा क्या हमारे पास, कि जब ये डाटा क्वालिटी में अच्छा होगा तो ये हमें इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन से बचाएगा, मिसडायरेक्टिंग कंक्लूजन से बचाएगा और फॉल्स इंफॉर्मेशन से हमें दूर रखेगा. सिमिलरली जो डाटा जनरेट होगा इट वुड बी मोर रिलायबल, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना डाटा उसको दे सकते हैं और जो रिजल्ट वो जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. सो वट इज द नीड, अब नीड हमारे पास क्या है कि डेटा क्लीनिंग हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ रिमूविंग एरर्स ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन, डेटा और एरर जनरेटेड बिकॉज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट, देन वी हैव एरर्स वाइल वी आर कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन स्केल टू द अदर, एंड सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा विच इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. तो जब ये चार पांच किस्म की चीजें हमारे पास मौजूद हों, कि डाटा हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो उसमें स्केलिंग के प्रॉब्लम्स हैं, एक जैसा डाटा नहीं है, कहीं पे वेट जो है वो हम किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, कहीं पे हम पाउंड में मेजर कर रहे हैं, कहीं पे एज जो है हम डेट ऑफ बर्थ से ले रहे हैं और कहीं पे हम सिंपल 27 एज लिख के बता रहे हैं, तो ये जो सारे एरर्स हैं वो हमें नीड प्रोड्यूस करते हैं कि हमने डाटा को क्लीन करना है.